अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्र सचिव रफी खान उर्फ बबलू पर पुलिस की छापेमारी के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। यूपी के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू समेत 10 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जाली नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा भी मिला, जिसके बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए कि पुलिस की नाक के नीचे न जाने कितने दिनों से ये गिरोह काम कर रहा था और किसी को इसकी भनक तक न लगी। दूसरी ओर कुशीनगर में चल रहे जाली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड और गिरोह के मुखिया रफी खान का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आया है। रफी खान सपा की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। उसके जाली नोटों का कारोबार नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों तक फैला हुआ था। गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट मिले। इसके अलावा 3000 नेपाली नोट, अवैध असलहे, कारतूस और सुतली बम बरामद किए गए। वहीं मुख्य आरोपी रफी खान पर जिले के कई थानों पर 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। गिरोह के अन्य सदस्य औरंगजेब पर 8 गंभीर मुकदमे, नौशाद पर 4 मुकदमे, जिसका भी सपा से कनेक्शन बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नौशाद सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष। वहीं अन्य आरोपी परवेज इलाही पर 8 मुकदमे, शेख जमालुद्दीन पर 4 मुकदमे और निजामुद्दीन उर्फ मुन्ना पर कई मुकदमे दर्ज। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बिहार के सिवान का रहने वाला जितेंद्र यादव और गोपालगंज का मनीष कुमार व कमरुद्दीन समेत 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके इसके लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक स्कैनर प्रिंटर की मदद से समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद रफी खान और बबलू की सरपरस्ती में ही जाली नोटों का कारोबार नेपाल के रास्ते किया जाता था। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिप कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफी खान उर्फ बबलू खान तमको ही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इलाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में हमारा थाना तमकोही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5.62 लाख के नकली नोट, 1.10 लाख के असली नोट और 3000 नेपाली मुद्रा के साथ 10 देसी तमंचा, 4 सुतली बम, 2 नेपाली सिम समेत 26 फर्जी दस्तावेजों पर खरीदे गए सिम भी बरामद किए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।